नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइक टीवी। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बाइक बोट स्कैम से पीड़ित लोगों का दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दिन पर दिन उनका संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इंसाफ की कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मीडिया से लेकर वो लोग खुद अपनी अपील, मदद की गुहार शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि ऊंची कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। पिछले हफ्ते बाइक बोट निवेशकों ने मीडिया की मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी अपील की थी, जितना हो सके जल्दी से जल्दी इस मामले में पूरी तरह से कोई इंसाफ हो, ऐसा उन्होंने मांग की थी। जिन लोगों का पैसा इस स्कैम में फंसा हुआ है उसे दिलवाया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कोटगांव दादरी स्थित बाइक बोट ऑफिस में पिछले 95 दिनों से निवेशक धरने पर बैठे हैं। इस बीच उन्होंने अपनी भूख प्यास आराम यहां तक कि अपने परिवारों को भी त्याग कर धरने के माध्यम से इंसाफ की मांग की है। इसके चलते सीओ अवनीश कुमार को भी वहां पहुंचकर उनके सवालों का जवाब देना पड़ा था, और जहां बाइक बोट निवेशकों ने इस मामले की जांच सीबीआई को पहुंचाने की अपील की थी। धरने का प्रतिनिधित्व कर रहे मुन्ना बालियान ने कहा कि वो एसआईटी की जांच से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं और आने वाली 15 सितंबर को एक बार फिर से महासंग्राम छिड़ने वाला है। कर्मा पीड़ित भाइयों से निवेदन करो, आने वाली 15 सितंबर को जी जान लगा दो, हम एक थे एक है एक रहेंगे। मुनाफा हो या ना हो, नुकसान हो, पर हम पीड़ित अभी एक थे एक है और एक जुट होकर हम यह लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद जय भारत। 15 सितंबर को सभी भाइयों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके इस धरने की ताकत बढ़ावे और शासन प्रशासन के जो कानून पर रोंगनी ये चल रही, इन्हें साथ दिला दो कि हम चुप बैठने वाले नहीं है, हम अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें उग्र आंदोलन क्यों ना करना पड़े। जय हिंद जय भारत। इस बात में कोई शक नहीं है कि बाइक बोट स्कैम में चल रही कार्रवाई से निवेशक पूरी तरह से नाखुश हैं, लेकिन यही हम सब निवेशकों को ये बात बताना चाहते हैं कि बहुचर्चित फर्जीवाड़े में मुख्य आरोपी संजय भाटी और विजयपाल कसाना के खिलाफ पुलिस ने 5 केस में आरोप पत्र जिला अदालत में दाखिल कर दिया है, और अब ये दोनों अन्य 8 आरोपियों के साथ लुक्सर जिला कारागार में बंद है। मैं समस्या को ना टालता हूँ ना पालता हूँ। ये समस्या कितने महीने से टाल रही है, 1 जून से हम बैठे हुए हैं, 1 जनवरी से पैसा आना बंद हो गया था, दिसंबर में आखिरी किस्त सीबीआई होगी, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक भी पैसा नहीं आया। तो मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ, भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूँ, पुलिस के आला अफसरों से पूछना चाहता हूँ, जो जहाँ भी बैठा है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आम जनता के दुख और दर्द को दूर किया जाए, तो अब वे हमारे आंसू पोंछने के लिए क्यों नहीं आ रहे, हमारा दुख दर्द दूर करने के लिए क्यों नहीं आ रहे, इस समस्या को मोदी जी क्यों टालते जा रहे हैं, क्यों टालते जा रहे हैं, क्यों टालते जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। अब राहत की बात यह है कि न्यायिक हिरासत के 90 दिन पूरे होने से पहले ही आर्थिक अपराध शाखा ने ये कार्रवाई कर डाली है, और आरोपियों को जमानत मिलना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। फिलहाल इस मामले की एक और अपडेट ये है कि 4 महीने बीतने के बाद भी निवेशकों को उनकी रकम नहीं मिलने का गुस्सा लेकर कुछ लोग राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। सभी निवेशक इस कदर दुखी हैं कि उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो इच्छा मृत्यु संबंधी शपथ पत्र राष्ट्रपति भवन को भेजेंगे, और बाइक बोट टैक्सी यूनियन के संयोजक मदन लाल और यूनियन के अध्यक्ष आजाद सिंह शेखावत के नेतृत्व में पीड़ित निवेशकों का एक प्रतिनिधि मंडल 2 सितंबर को राष्ट्रपति भवन इस मांग को लेकर पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने बाइक बोट कंपनी के पीड़ित निवेशकों को आत्महत्या करने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजा दिलाने, कंपनी के आरोपियों की गिरफ्तारी का मामला सीबीआई के हवाले करने की मांग की है। निवेशकों का कहना है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्हें क्षमृत्यु की अनुमति दी जाए। निवेशकों ने राष्ट्रपति को दिए मांग पत्र में कहा है कि 15 दिन के अंदर देश भर के लाखों निवेशकों को ठगने वाले कंपनी के मास्टरमाइंड बीएन तिवारी को गिरफ्तार कर दिल्ली की तिहाड़ जेल नहीं भेजा गया तो हजारों पीड़ित राष्ट्रपति भवन के सामने इच्छा मृत्यु का वरण करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार की होगी। अब इस मामले में देखना यह होगा कि सरकार क्या कड़े कदम उठाती है, और जिन लोगों का पैसा बाइक बोट स्कैम में फंसा हुआ है
उनकी मांगे कब पूरी होंगी और उनका जो इंसाफ की जो गुहार वो लगातार लगा रहे हैं उस पर कब कोई कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हम इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे इस मामले से जुड़ी और भी अपडेट्स को लेकर। फिलहाल इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए।